जो पैकेट ट्रेसर है इसका जो सिमुलेशन मोड है इट अलाउ्ज अस टू ऑब्जर्व पैकेट्स फ्लोइंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो पैकेट्स फ्लो होते हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्दर मोर हम क्या कर सकते हैं किसी पैकेट को क्लिक करके उसमें जो टी सी लेयर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम व्यू कर सकते हैं हम क्या करते हैं स्टेप नंबर वन हम पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं पैकेट स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं एक पीसी ऐड करते हैं एक सर्वर ऐड करते हैं टू द वर्क स्पेस स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉपर क्रॉसओवर केबल फिर स्टेप नंबर फोर में हम क्या करते हैं इनको आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं पीसी को हम असाइन करते हैं वन नाइनटी इसका मास्क है और जो सर्वर है उसका हम असाइन करते हैं वन नाइन्टी टू पॉइंट वन स्लैश और सेम सबनेट uh, uh, में लाइक कर रहे हैं ये दोनों डिवाइसेस अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम की वर्क स्पेस में आप देखें से, से देख सकते हैं कि हमारा पीसी है हमारा सर्वर है और वो कनेक्टेड है कॉपर uh, की केबल के थ्रू और जो हमारा लिंक है वो भी ग्रीन है तो इसका मतलब है हमारा जो लिंक स्टेटस है इज ऑन अब हम स्टेप नंबर फाइव में आते हैं हम क्या करते हैं जो रियल टाइम स्लैश सिमुलेशन का जो टैब है उसको क्लिक करते हैं आप जो ही उसको क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट में क्या है आपका जो रियल टाइम है वो डिफ़ॉल्ट है आप स्विच को क्लिक आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप सिमुलेशन मोड में चले जाते हैं तो हमने इस डायग्राम में दिखाया रियल टाइम डिफॉल्ट सेटिंग है आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सिमुलेशन मोड में चले जाते हैं तो आपने यहाँ पे जा क्लिक करना है और सिमुलेशन मोड में चले जाना है जब आप सिमुलेशन मोड में जाएंगे तो ये एक आपके पास ओपन हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स इसमें अगर आप देखें हमारे पास कुछ प्ले कंट्रोल्स हैं बैक है ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले है कैप्चर स्लैश फॉरवर्ड है और ऊपर अगर देखें तो इवेंट लिस्ट दिखाया हुआ है तो आपने क्या करना है इस ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले को प्रेस कर देना है स्टेप नंबर सिक्स पे आते हैं जो ही आप इस ऑटो ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है पैकेट कैप्चर बिगन होना शुरू हो जाता है स्टेप नंबर सेवन पे आते हैं From the Common Tools bar, click on the closed envelope icon. इस closed envelope icon को click करें और click करने के बाद आप क्या करें PC को first PC पे ले जाके touch करें और फिर जाके server पे पर उसको क्लिक कर दें जब आपने server पे click किया बाद में तो आपको packets flow होना नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर तो आप इस diagram में देखें तो हमारा जो PC है और जो हमारा server है उसके दरमियान communication, उसके दरमियान packets का exchange होना शुरू हो गया है अगर आप इवेंट लिस्ट पे जाएं तो इवेंट लिस्ट में आप जाके क्या है? आपको नजर आएगा वहां पे तीन एंट्रीज नज़र आएंगी और वो कौन कौन सी हैं आई पैकेट की क्रिएशन हो रही है उसके बाद आई सी एम जा रहा है और आई रिप्लाई का मैसेज रिसीव हो रहा है तो हमने इस डायग्राम में ये तीनों इवेंट्स दिखाए गए हैं अगर आप देखें तो टाइम दिखाया, दिखाया हुआ है सेकेंड कॉलम में लास्ट डिवाइस है थर्ड कॉलम में एड डिवाइस है और टाइप प्रोटोकॉल टाइप है और इनफो दिखाया हुआ है तो ये आपने देखा कि तीन पैकेट्स एक्सचेंज हुए हैं पीसी और सर्वर के दरमियान अगर आपने किसी पैकेट की टीसी पी आई पी लेर्स की इन्फॉर्मेशन को व्यू करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें उस पैकेट पे क्लिक करें और जब आप उस पैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आउट बाउंड बी डी यू डिटेल्स को टैब को अनेबल कर दें उस टैब को अनेबल करेंगे तो आपको जो लेयर्स की इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर नजर आएगी हमने इस डायग्राम में एक पैकेट पर क्लिक किया और पैकेट पर क्लिक करने के बाद आउटबाउंड पीडीयू के डिटेल्स uh, पे गए अगर आप देखें तो इस पैकेट में इथरनेट की आईपी की आईसीएमपी की इंफॉर्मेशन मौजूद है इथरनेट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस आई पी में अगर आप देखें सोर्स आई डेस्टिनेशन आई तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नजर आना शुरू हो जाएगी किसी भी पैकेट को क्लिक करने के बाद तो तो सिमरेशन मोड इसके तीन बटनस हैं बैकअप बटन था ऑटो ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले का बटन है और फॉरवर्ड का बटन है बैक को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा जो ही आप बैक के बटन को क्लिक करते हैं क्या होती है जो सिमुलेशन है इट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अगर आप ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले को क्लिक कर रहे हैं तो जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको हम कॉन्टिन्यूसली कैप्चर कर रहे हैं जो कैप्चर स्लैश फॉरवर्ड का जो बटन है जो ही आप इस कैप्चर स्लैश फॉरवर्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो यू वॉन्ट टू मूव द पैकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व टू प्रेस दिस पैटर्न तो ये इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पैकेट ट्रेसर का जो सिमुलेशन मोड है इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड किया है